तो जेम्स गन और पीटर सेफ्रन ने फाइनली बहुत लंबे समय के बाद डीसी के नए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की स्लेट रिलीज कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डीसी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में ऐसी और मूवी अपडेट्स को आप मिस ना कर पाए। तो आप DCEU को तो जानते ही होंगे, जो अब रिबूट होकर DCU हो चुका है, मतलब कि DC यूनिवर्स। तो कल जेम्स गन ने DCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैट रीव्स का बैटमैन यूनिवर्स और टॉड फिलिप्स का जोकर यूनिवर्स इस DCU से अलग रहेगा, जिसे हम DC एल्सवर्ल्ड के नाम से जानेंगे। DC एल्सवर्ल्ड के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं उस एल्सवर्ल्ड के यूनिवर्स के सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब बात करते हैं DCU के बारे में। तो जेम्स गन ने सबसे पहले बात करी शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स के बारे में। ये मूवी नेक्स्ट मंथ 17 मार्च 2023 को रिलीज होने वाली है। इस मूवी का ऑलरेडी 2 ट्रेलर्स आ चुके हैं और मैंने इसके ट्रेलर 2 पर वीडियो भी बनाई थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स कनेक्ट होगी द फ्लैश से जाकर, और जेम्स गन ने कहा कि द फ्लैश मूवी इंटायर DC यूनिवर्स को रीसेट कर देगी। द फ्लैश मूवी हमें 16 जून 2023 को देखने को मिलेगी। द फ्लैश के बाद हम देखेंगे ब्लू बीटल मूवी। इस मूवी के सेट फोटोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें ब्लू बीटल का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मूवी भी इसी साल 18 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है, और फिर ये मूवी कनेक्ट होगी एक्वामैन 2 से, जो कि 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। फिर इस मूवी के बाद शुरुआत हो जाएगी नई DCU मूवीज की। जैसा कि MCU प्रोजेक्ट्स को फेजेस में डिवाइड किया गया है, वैसे ही DCU प्रोजेक्ट्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, और इसके चैप्टर 1 का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। जेम्स गन ने इस चैप्टर के 10 प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये इंटायर चैप्टर 1 नहीं है, बस ये उस चैप्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि फ्यूचर में हमें चैप्टर 1 के और भी प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। तो बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट प्रोजेक्ट की, जिसका नाम होगा क्रेचर कमांडोस। ये एक एनिमेटेड टीवी शो होने वाला है, जिसके सारे एपिसोड जेम्स गन ने लिखे हैं। ये सीरीज डायरेक्टली DCU से कनेक्ट रहेगी, और DCU मूवीज में जो एक्टर्स होंगे वही एनिमेटेड शोज में अपने करेक्टर को वॉइस देंगे। अब इस चैप्टर का सेकंड प्रोजेक्ट होगा वॉलर। ये एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी जो फोकस करेगी अमांडा वॉलर के करेक्टर पर। इसमें वियोला डेविस वापस आएंगी अपने अमांडा वॉलर के रोल के लिए। इसमें पीसमेकर सीजन 1 और सीजन 2 के बीच की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें अमांडा वॉलर टीम अप करेगी पीसमेकर की टीम के साथ। अब बात करते हैं इस चैप्टर के थर्ड प्रोजेक्ट की, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो है सुपरमैन की सोलो मूवी, जिसका नाम होगा सुपरमैन लेगेसी। ये मूवी रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को। इस मूवी को जेम्स गन ने लिखा है, और पॉसिबली वो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस मूवी में हमें सुपरमैन की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, मगर ये यंगर सुपरमैन पर फोकस करेगी। अभी सुपरमैन के लिए किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं किया गया है, मगर जल्दी इसकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर के फोर्थ प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है लैंटर्न्स। ये एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी। ये सीरीज बेसिकली 2 ग्रीन लैंटर्न्स पर फोकस करेगी, जिनका नाम होगा हैल जॉर्डन एंड जॉन स्टुअर्ट। साथ ही साथ इसमें कुछ और लैंटर्न्स का भी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये एक डिटेक्टिव टाइप की सीरीज होगी, जिसमें हमें शायद कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हुए दिखाया जाए। अब बात करते हैं इस चैप्टर के फिफ्थ प्रोजेक्ट, जिसका नाम है द अथॉरिटी। ये एक लाइव एक्शन मूवी होगी, और जेम्स गन ने कहा है कि ये उनका पैशन प्रोजेक्ट है। ये मूवी बेस्ड होगी DC के वाइल्ड स्टॉर्म कैरेक्टर्स पर। इसमें एक सुपर हीरो की टीम दिखाई जाएगी, जिन्हें लगता है कि वर्ल्ड अब टूट चुका है, और वो उसे फिक्स करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, जहां वो सही गलत कभी फर्क नहीं करेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सिक्स्थ प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है पैराडाइस लॉस्ट। ये एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी, जिसमें हमें वंडर वुमन की बर्थ प्लेस पैराडाइस आइलैंड दिखाया जाएगा, मगर इसमें हमें वंडर वुमन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमें वंडर वुमन के बर्थ से बहुत पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। और तो और, इस सीरीज को जेम्स गन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के वेस्टरॉस से कंपेयर किया है, मतलब कि जहां हमें लेजेंडरी बैटल्स और पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। अब आते हैं इस चैप्टर के सेवन्थ प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम होगा द ब्रेव एंड द बोल्ड। ये बैटमैन की लाइव एक्शन मूवी होगी, और इस मूवी में बैटमैन और उसके बेटे डेमियन वेन पर फोकस किया जाएगा, मतलब कि जहां हमें फादर एंड सन की स्टोरी देखने को मिलेगी। और जेम्स गन ने ये भी कहा है कि जहां से बैट फैमिली की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर के एट प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम होगा बूस्टर गोल्ड। ये एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होगी। इस सीरीज में एक ऐसा करेक्टर दिखाया जाएगा जो कि फ्यूचर में एक लूजर है, मगर वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूज कर प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाएगा, ताकि वो प्रेजेंट की टाइमलाइन में एक सुपर हीरो बन सके। अब सुनने में तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो। अब आते हैं इस चैप्टर के नाइन्थ प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो। ये एक लाइव एक्शन मूवी होने वाली है। इसकी स्टोरी क्रिप्टॉन प्लेनेट पर दिखाई जाएगी, जहां सुपर गर्ल अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी। अब बात करते हैं इसके 10th एंड फाइनल प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम है स्वाम्प थिंग। ये भी एक लाइव एक्शन मूवी होगी, और जेम्स गन ने कहा है कि ये एक हॉरर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें स्वाम्प थिंग की ओरिजिन दिखाई जाएगी। तो गाइस, ये थे वो 10 प्रोजेक्ट्स जो DCU के चैप्टर 1 गॉड एंड मॉन्स्टर्स का पार्ट होने वाले हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।